अभी यही बोल रहा था, मैं जीता तो पंजाब, ये जीतेगा तो ढोंगी जी। मेरी जान लगा जब मुझे विनर कहा, ट्रॉफी मेरे हाथ में आई। अट्टा अट मेरी जान। इमाम का नाम मुमताज था। नाइस। आज ये मोमेंट पे यही कहना चाहूंगा कि तू साथ ना माँ पर साथ तेरा साया था। हाँ देखो ये करा भी एक्शन अभिषेक। यस मैन यू तरफ में मेरे ही चर्चे पे है बस वो नावर टनल तक। क्या बात है, वो टॉप टू दोनों खड़े हो ना, अंकिता जी एंड अभिषेक, हट में से ही किसी के घर जाना। डोंगरी में उदम हुआ, बहुत एपिक वीडियो होने वाली है, दोनों भाइयों के नारे कैसे कैसे लगे इस वीडियो में, बहुत कुछ होने वाला है। और कहीं ना कहीं जब से बिग बॉस खत्म हुआ है बहुत माइंड सेट सा है, पता नहीं क्यों बहुत गंदा लग रहा है खत्म होने के बाद। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी पहले इतना फर्क नहीं पड़ता था, बट अब बहुत फर्क पड़ रहा है कि यार बिग बॉस इतनी जल्दी खत्म हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं भाई मैंने उसको बहुत क्लोजली फोकस किया है वीडियोज के चक्कर में, तो किस किस भाई को भाई सेट लग रहा है वो जरूर बताना। और इस वीडियो में भाई हम दोबारा से बिग बॉस की क्लिप को जिंदा करेंगे, वो बहुत एपिक वीडियो होने वाली है, बिकॉज इसमें अभिषेक भाई मुनावर भाई के विनिंग मोमेंट्स हैं, दोनों भाई साथ दिखाई देंगे ट्रॉफी के साथ या डोंगरी में गया था भाई अभिषेक तो नहीं गया, बट इस तरीके से मैंने वीडियो एडिट करी, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड गाइज एक बात और बोलूँगा शुरू में, थैंक्स अ लॉट 7,000 सब्सक्राइबर करने के लिए शुक्रिया। अच्छा ठीक है समझ, वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, आप वीडियो को मजे लेना, बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है, तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फाइनली एपिक वीडियो, ओके लायक है, कंट कल्ट फॉलोवर प्यार करते हैं उसको। डोंगरी करा था फैन फॉलोइंग देख रहे हो बंदे की, ओ हो जनता बहुत ज्यादा भाई कंट फॉलोवर हैं। जो भाई विक्की भाई ने जो लाइन बोली थी ना, बहुत मतलब समझ रहे हो ना, ये लाइन बिल्कुल मैच करती है बंदे पे कि हाँ भाई है तो है। साउंड आपका मीम से भी बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा है मुनावर की फैन। वो पहले दिन मैंने कहीं तो भी बोला था, पता है क्या, हमने भी बोला था शिव भाई, हम लोगों का प्रेडिक्शन है, वन साइडेड शो था यार। अच्छा शिव भाई किसमें है, लास्ट डे तक चेक जमा करना है, ट्रॉफी कोई भी जीत चेक जमा करना है। शिव बोल रहा है शिव भाई बोल रहा है, चलो धन्यवाद भाई, सॉफ्ट इधर आना भाई यार, मैं कभी नहीं भूलूंगा ये प्यार और ये सपोर्ट, बहुत सपोर्ट किया है भाई तेरे को हर किसी ने, थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि हमें वो टॉप टू दोनों खड़े हो ना, अंकिता जी एंड अभिषेक, हट में से ही किसी के घर जाए, हट भाई मैं सपोर्ट कर रहा हूँ भाई को, समझ रहे हो, सब लोग भी भाई को जिता दो, वोट कर दो और रोला काट दो, दिखा दो भाई की ताकत। रोला मतलब समझ रहे हो ना, आप आई अपने आपको होशियारी देने आई कि मतलब तुम ना तुम चमकी मुनावर की वजह से यार, मतलब तू बोलेगी कि वो मैं चाहती हूँ अभिषेक और अंकिता क्या, अबे हट, जो प्रॉपर जो जैन सेफी आया ना, तुम्हें क्या लगता है जो इधर जैन सेफी की जनता हो वो उधर कोई और खड़ा हो सकता है क्या भाई? राउंड 12 नाम नहीं ब्रांड है, और जैन सेफी तो
भाई सीरियसली गूज बम वाली फीलिंग थी जो यहाँ पे होगा। सलमान भाई बिग बॉस से या पता नहीं मुझसे इतना खफा है एक वो अभी तक आया नहीं, आज आया नहीं क्योंकि शायद उसने इतना कुछ पोस्ट कर दिया बिग बॉस के खिलाफ तो यहाँ बैठता। मतलब भाई तुम समझ रहे हो किस बंदे को रोस्ट कर रहे हो तुम, सल्लू है वो यार, खा जाएगा कितनों को तो खा चुका है। क्यों भाई तू बीच में, आई नो ब्रो यू आर यूट्यूबर बट कभी ना कभी तुम बॉलीवुड में आओगे और बॉलीवुड में आके तुम्हें सल्लू का सहारा तो मिले चाहिए, मतलब लेना पड़ेगा, और नहीं भी लेना पड़ा ना तो इसके नाम का तुम्हें जिक्र बार बार करना पड़ेगा। तो ब्रो नहीं बोलना था यार, अभी तुम्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। या मेरा भाई क्या जम रहा है टनल तक, क्या बात है, टनल बहुत फेमस है। अभी यही बोल रहा था मैं, जीता तो पंजाब, ये जीतेगा तो ढोंगी जी। मेरी जान जब मुझे विनर कहा, ट्रॉफी मेरे हाथ में आई, मुझे सलमान भाई से पहले करना था, तो मैंने वो फील किया, वो मेरा रिफ्लेक्ट था दैट मैं जैसे हुआ मुझे सलमान भाई से पहले अभिषेक, और मैं जरा भी 1% भी डाउट नहीं है कि मैं सोचूं कि अभिषेक डिजर्विंग नहीं था। हाँ मुझे भी सुनने को तो मिल रहा है कि मैंने दिल बहुत सारे जीत लिए। ब्रो यस मैन, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, और मुनव्वर जीता तो इतना दुख नहीं हो रहा है, मैं हैप्पी हूँ। उसको जीतना था, मेरे को भी जीतना था, बट अगर उसके कर लेंगे यार तो बुरा। नो डाउट यार, देखो दोस्त है ठीक है, बट जब इंसान कोई जीत हार होती है तो बुरा लगता है, वो नहीं दिखाना चाह रहा है बट उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके दिल में है कि काश मैं जीत जाता तो मेरी एक अलग नेक्स्ट लेवल हो जाती। बट दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है, इस वीडियो में बहुत कुछ दिखेगा आपको एंड तक, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट्स हैं दोनों के बारे में। नागपाड़ मतलब सॉरी डोंगरी में जो उदम हुआ है ना गाइज, वो वहाँ अभिषेक भाई के भी नारे लगे हैं, तो उस वीडियो को भी देख के जाना, बीच में है वो वीडियो, अभी आएगी। मनोबर कुछ वक्त पहले शब्द साथ छोड़ गए थे, इस बात पे तो जरूर कोई ना कोई शायरी जहन में आई होगी आपके। न जाने कैसा गुनाह कर लिया है मैंने, दिल को वसवसों का घर कर लिया है, बस अब अपने गम उन्हें नहीं बता सकता, मैंने अपनों को पराया कर लिया। बहुत अच्छे मनोबर। चारों तरफ मेरे ही चर्चे, वो नावर फारूकी। भाई यार गूज़बम्प है सीरियसली। अरे गजब, लिखो मुन्ना भाई बिंदास। अट्टा हट मेरी जान। अरे अपने जीगन में बनाऊ मैं भाई, जनता ही थी। पहाड़ जनता ही थी, पहाड़ यार। ये सीन देख के ना मेरे भाई शाहरुख खट गया था। मेरी मॉम का नाम मुमताज था। नाइस, आज ये मूवमेंट पे यही कहना चाहूंगा कि तू साथ ना माँ पर साथ तेरा साया था, इतना मशहूर और कितना ही कमाया था, वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, और बेटा मुमताज का मुमताज छीन आया। वो जहां भी होंगी आपको देखकर उतनी खुश होंगी जितने हम सब आपको। यस मैम, मेरे पर काट के भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मैं जमीन पे भी बैठा ना तो आसमान। ये जो हुआ है ना, आप प्यार से ले गए तो क्या, प्यार से ही आया था खेलने के लिए और प्यार से ही जंग दुनिया जीती। यस मैन, हमारे में कहते भी है कि पूरी दुनिया का सुतून है ना ये जबान, अगर इसको जिस इंसान ने पकड़ लिया ना पूरी दुनिया पे राज कर सके। या हीरो कुमार। हीरो कुमार ये भाई इंडस्ट्री में एक्चुअली इतना बुरा नहीं लगा, मुझे लगा था मुझे बुरा लगेगा, पर मुनावर के अलावा कोई और जीतता तो बहुत बुरा लगता। हमें भी बहुत बुरा लगता तुम दोनों के अलावा। आई थिंक थर्ड हफ्ते बोला था कि हम दोनों ऐसे ऐसे खड़े होंगे, पर वो हुआ। मुनावर के चाहने वाले भाई मस्त, खुद को कॉन्फिडेंस था कि बाहर मेरा मैटर बड़ा तगड़ा है। यस मैन, मैन
तू भी विनर है भाई। ओ हो स्टैंड ब्रो भाई, फुल सपोर्ट में पहुंचे थे लोग। चलो मना रहा तो होगी। हाँ देखो ये करा भी एक्शन अभिषेक। यस मैन, ये होती है असली दोस्ती। नाइस मैन। सो गाइस रिएक्शन इज ओवर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और रिएक्शन पसंद आयो तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके जल्दी बताओ कौन सी वीडियो आपको मस्त लगी कौन सी नहीं। तो मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन से भर दो वीडियो, एंड लाइक को भी भर देना। बहुत सारी लाइक चाहिए अपने को इस वीडियो पर, बहुत सारा आपका प्यार चाहिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अपन बिग बॉस को अभी भी जिंदा रख रहा है आप लोगों के लिए। क्योंकि यार मेरा ना कनेक्शन बहुत, मैंने ना बहुत डीपली फोकस किया है इस बार बिग बॉस पे आप लोगों की वजह से, वीडियोस की वजह से। तो भाई कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा है यार, जब ये खत्म हुआ तो बहुत अजीब वाली फीलिंग आ रही है कि ये क्यों खत्म हुआ क्यों नहीं। बट भाई हो गया तो थोड़ा सैडनेस है, बट कोई नहीं। मुनावर भाई की तरफ से बहुत खुश है, जिसको हम विनर चाहते थे वो फाइनली विनर बन गया। एंड भाई लास्ट में भाई अभिषेक भाई के नारे लगवाए मुनावर भाई ने, मतलब वो जनता ने खुद नहीं लगाए गाइस। वो जब मुनावर ने ऐसे करके ऐसे किया है ना, उसके बाद नारे लगना शुरू हैं। और ये कहीं ना कहीं एक असली दोस्ती की पहचान होती है कि मतलब दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं है भाई। मैं चाहता हूँ तेरे को इस भीड़ में, बट मैं चाहता था भाई डोंगरी दोनों साथ आए, दोनों भाई भाई एकदम मचाते थे, दोनों बोनट से बाहर आते तो अलग ही क्रेज, सॉरी बोनट कह रहा हूँ कार में से आदमी में से बाहर आते तो भाई बहुत क्रेज अलग हो जाता। बट कोई बात नहीं, कुछ इशू होते हैं नहीं आ पाते हैं, अगर दो आते तो पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, बिकॉज मुनावर की वजह से ही भाई इतना बवाल कट चुका था, वहाँ पे कोई खड़े होने की जगह नहीं थी। और सीरियसली वो बहुत कर्रे वाले घूसबम थे, और कहीं ना कहीं मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है भाई अभिषेक भाई के लिए। और कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है अपना मुनावर भाई जीता, बट मैं यही बोलूंगा अभिषेक भाई की जगह कोई और होता तो इतना बुरा नहीं लगता, कि फिर तो अपना मुनावर सही था। बट अब दो जने संग थे ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा फील हो रहा है। बट मुनावर के लिए अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, तो भाई वो अपना जीता। एंड सेकंड भाई अभिषेक भाई के लिए दिल से लग रहा है थोड़ा बुरा, बट कहीं ना कहीं भाई वो भी बहुत खुश है, बिकॉज वो आधे शो में से निकलने के बाद दोबारा भाई रनर अप बनाए तो बहुत बड़ी बात है ये भाई। तो कहीं ना कहीं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और भाई कौन कौन यार सैड है बिग बॉस खत्म होने से, मैं तो हूँ यार, मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है। जो अपने एक डेढ़ घंटा देना होता था ना, देखते थे उसको, वीडियोस बनाते थे, वीडियोस के चक्कर में नहीं सीरियसली, मतलब एक ना एक जिसकी हम पर्सनैलिटी रोज़ देखना चाहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी चाहते हैं डेली मिले, वो वहाँ मिल रही थी यार। कहीं ना कहीं बिग बॉस से ना एक कनेक्शन इस तरीके का हो गया है भाई, कि मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है वो डेली चलता रहे। पहले कसम से मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, बट जब से आसिम रियाज सिद्धार्थ भाई, जब से यार बिग बॉस में ये शुरू आया ना, जब से बहुत मज़ा आने लग गया है बिग बॉस में। और कहीं ना कहीं इस वाले बिग बॉस में तो बहुत सैड मोमेंट हैं यार मेरे अंदर भी, कि ये क्यों ख़त्म हो गया। क्योंकि दो हफ्ते और एक्सटेंड होता तो मज़े आते, बट नहीं हुआ। पता नहीं, हर साल होता था, एमसी स्टैन के टाइम पे भी हुआ था, बट इस बार नहीं हुआ। मे भी कुछ अलग सोच होगी इन लोगों की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो भाई रिएक्शन पर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा भाई देखो डेली मेहनत करता है आप लोगों के लिए, डेली वीडियोस लाता है, तो एक लाइक तो बनता है, छोटा मोटा सा लाइक करने में क्या जा रहा है, सब्सक्राइब करने के लिए कर देना। और भाई एक अगेन बहुत बड़ी बात, मेरे 7,000 सब्सक्राइबर करने के लिए आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया मेरी जान, आप सब भाई थोड़े बहुत हो 7-8 हज़ार जो भी हो भाई ना, दिल से बहुत अच्छा लगता है जब नंबर बढ़ते हैं। कुछ हो नहीं हो, मोनेटाइज हो नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, बस जब सब्सक्राइबर की गेन होती है। और वो कल्ट वाले फॉलोवर होते हैं ना, कल्ट सब्सक्राइबर जो अनसब्सक्राइब करके ना जाए, तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई अनसब्सक्राइब कभी मत करना, बिग बॉस पे वीडियोज अपन लाते रहेंगे जैसे भी मूड बनता रहेगा। और आप पे किस किस के रिएक्शन चाहिए, मैं सोच रहा हूँ भाई मुनावर भाई और मनारा के एक मूवमेंट्स पे रिएक्शन जरूर दूँ, तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तक लिए बाय एंड टेक केयर एंड लाइक कर दो, बाय। क्या मिला मुझसे दूर जाकर, आज भी लोग तुझे मेरी सेटिंग के नाम से जा।